ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अक्टूबर 2024 के मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में 5 मुख्य बातों को याद रखेंगे। पहला, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, पुण्यात्मा बन सकेंगे। दूसरा, वंडरफुल नाटक हरेक आत्मा का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। तीसरा, एक बाबा की याद में रहना है, एकांत में बैठ मैं आत्मा हूं यह अभ्यास करना है। चौथा, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त बनो। पांचवा, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत परिय धर्म ना छोड़िए। 5 पॉइंट्स, देही अभिमानी, वंडरफुल नाटक, एकांत, परमात्मा ज्ञान, पवित्रता। आज का चिंतन, मैं आत्मा पवित्र ज्योति बिंदु हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति हूं, परम प्यारे अति प्रिय शिव पिता का संतान हूं, मैं आत्मा निरंतर देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस कर पुण्य आत्मा बनेंगे। मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं आत्मा इस वंडरफुल नाटक में पार्टदारी हूं। हरेक आत्मा का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, हरेक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। यह सब देखकर मैं सदा हर्षित रहेंगे, सदा खुशी में नाचते रहेंगे। एक बाबा की याद में निरंतर रहकर एकांत में बैठ निरंतर अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूं। परमात्मा ज्ञान का नवीनता को समझ लिया, पवित्रता को जीवन में धारण करेंगे, सब लगावन से मुक्त हो जाएंगे। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में पक्का हूं मैं। धर्त परिये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए पवित्रता से हिलेंगे नहीं है। मैं आत्म ज्योति देही अभिमानी हूं, वंडरफुल नाटक को साक्षी होकर देखने वाले, एकांत में रहकर अभ्यास करने वाले, परमात्मा ज्ञान को जीवन में धारण कर सब लगावन से मुक्त रहने वाले, मैं पवित्र ज्योति हूं। मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकंड में सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, आकाश तत्वों से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, स्वयं प्रकाशित सुनहरी लाल दुनिया परम धाम में परम प्यारे अति प्रिय शिव पिता के साथ अपने आप को अपना अनादि रूप में देख रहा हूं। मैं भी बिंदु, मेरा प्यारा बाबा भी बिंदु, परमधाम में ब्रह्म महातत्व में मैं आत्मा अपना निज स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूं। मैं शक्तिशाली बन गया हूं, बाबा के नजदीक रहकर बाबा से अपार प्यार पवित्रता शक्ति को प्राप्त कर रहा हूं। मैं एक शक्तिशाली पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं। बाबा से अपार प्यार, अपार स्नेह, अपार शक्ति को प्राप्त कर शक्तिशाली बनकर इस साकार सृष्टि पे आकर शरीर में मस्तक सिंहासन पर बैठ
शक्तिशाली प्रकंपन फैला रहा हूँ। मैं आत्मा मन के द्वारा सभी को दिव्य संदेश देने का सेवा कर रहा हूँ। हे आत्माएं, हम सभी आत्माओं का प्यारे पिता परमात्मा इस तरह पर आ चुका है भगवान का सच्चा परिचय प्राप्त करने लिए, भगवान को प्राप्त कर उनके साथ संबंध जोड़कर सहज राजयोग अभ्यास कर अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने लीजिए। नजदीकी ईश्वरीय सेवा केंद्र में जाकर ज्ञान योग का अभ्यास कर अपना जीवन को धन्य बना लीजिए। अब नहीं तो कभी नहीं, सदा याद रखिए। ओम शांति।